हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टम रॉम के बारे में। Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए ऑफिशियली Android 13 के साथ प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टम रॉम का जो लेटेस्ट बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टम रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ये जो बिल्ड है तो एंड्रॉयड 13 के साथ ऑफिशियली Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सिलर 3.4 के साथ जहाँ पर 5 दिसंबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। कर्नल की अगर बात करें 4.14 कर्नल के साथ एजो बिल्ड है अवेलेबल है। प्लस एज बिल्ड है उसको इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा, तो बच्चे बाय डिफॉल्ट सेफ्टनेट पास हो जाएगा। यहाँ पर इस अपडेट के साथ जहाँ पर लॉन्चर 3 को ऐड किया गया है, लॉन्चर के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन से यहाँ पर आइकन के ऊपर जो आइकन पैक नोटिफिकेशन डॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर जो है लॉक लेआउट का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन का ऑप्शन है। डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है। वॉलपेपर स्क्रॉल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन है। रिसेंट पैनल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो लॉन्चर के साथ जो है थीम आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐप लॉक को ऑलरेडी यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया है, यानी पर प्राइवेसी के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। एनी वे यहाँ पर जो है ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो है डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करता है। एंड यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर पावर बटन के ऊपर एनिमेशन को ऐड किया गया है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को चार्जिंग के टाइम में भी यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर फेस अनलॉक के साथ जो बग था उसे फिक्स किया गया है। प्लस एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो पर डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, जिस तरह से डॉल्बी एटमॉस के साथ जो एसी भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। पर वन प्लस का जो डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ। प्लस पर टच के साथ भी इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा और कुछ बग फिक्सेस एंड इंप्रूवमेंट देने को मिल गया है इस अपडेट के साथ। ना सबसे पहले बात कर लेते हैं पर जो है बैटरी बैकअप के बारे में, किस तरह से बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो है देख सकते हो बैटरी बैकअप के ऊपर जो एसी भी ऑप्शन से यहाँ पर बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड बैटरी हेल्थ के ऊपर जो है ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड पर लो ब्राइटनेस के ऊपर कोई भी इश्यू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड देख पाओगे यहाँ पर जो है आप कितने टाइम फोन को चार्ज कर रहे हो, यहाँ पर आपको देने को मिलेगा। बैटरी टेम्परेचर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है। बैटरी यूजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 7 आवर्स से 8 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। देख सकते हो अभी फिलहाल 67% के आसपास चार्ज है, यानी यहाँ पर लगभग हमने 3 आवर एंड 51 मिनट के आसपास जो डिवाइस को यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ का यूज़ करोगे आपको लगभग यहाँ पर जो 7 आवर से 8 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। अगर आप 120 हर्ट्ज़ का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर 6 आवर से 7 आवर के आसपास जो है 120 हर्ट्ज़ के साथ जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया, आपको बैटरी बैकअप के साथ कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। यहाँ पर जो 3D Mark के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो 1136 का स्कोर देने को मिल गया है। Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ 3D Mark के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1136 का स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करें अबाउट जो Geekbench 5 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 529, मल्टी कोर के साथ जो है 1582 का स्कोर है Geekbench 5.4.6 के साथ। यहाँ पर जो है Android 13 के साथ जो है कुछ इस तरह से Geekbench 5 के साथ जो है पर स्कोर देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सेफ्टनेट पास हो जाएगा। अगर बात करें पर जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 153, एवरेज है 151, मिनिमम है 145। यहाँ पर जो है कोई भी सीपीयू थ्रॉटल देने को नहीं मिला है। मैक्स सीपीयू गया है 2.30 GHz तक। तो पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के साथ भी आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा।
अगर बात करें पर जो कैमरा ट्यूब के साथ जो लेवल 3 का जो सपोर्ट देने को मिलेगा गूगल कैमरा पर काम कर जाएगा। हमने पर रिसेंटली जीकैम 8.7 का जो रिव्यू वीडियो है अपलोड किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है, पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इसी तरह से भी ऑप्शन से पर टाइमर का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, पर सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड इस तरह से सभी ऑप्शन अवेलेबल है, पर जो है मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है, पर जो कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो। तो पर जो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, पर डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन है, यानी पर जो बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। इस रॉम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। नेक्स्ट बार बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले पर जो है थीम्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर थीम्स के ऊपर जो है कस्टम थीम का ऑप्शन है, आइकॉन पैक का ऑप्शन है, और आइकॉन पैक सिग्नल आइकॉन स्टाइल वाईफाई आइकॉन स्टाइल को ऐड किया गया है। एंड थीम्स के साथ साथ यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, लॉक स्क्रीन के ऊपर डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को ऐड किया गया है, फोन को अनलॉक करने के टाइम जो रैपिड एनिमेशन उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो हाइट सेटअप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो सेटअप को हाइट करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेटअप के ऊपर डबल टैप टू स्लिप ऑन सेटअप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सर्च बार में डबल टैप करते डिस्प्ले जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और आइकन मैनेजर का ऑप्शन है, सर्च बार के ऊपर जो कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहते हो आपको या सिलेक्ट कर सकते हो। कॉम्बाइंड सिग्नल आइकन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, और बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, बैटरी चार्जिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर जो क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है या पर क्विक सेटिंग्स कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, तो पर जो ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, फ्लूइड यूआई को एनेबल कर सकते हो, प्लस ये पर जो ब्राइटनेस के ऊपर जो ऑपेसिटी आप इसे चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस स्लाइडर के ऊपर जो हैप्टिक है उसे भी यहाँ से डिसेबल कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो फ्लूइड यूआई है इसे एनेबल करते हैं, उसके बाद जो है बट सिस्टम यूआई को रिबूट करना होगा। देख सकते हो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिलता है। तो ये पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल है कंप्लीटली पर चेंज हो गया है, काफी डिफरेंट इस तरह से ये पर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ यूआई देने को मिलेगा। एंड लोकेशन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लोकेशन का जो यूआई है देने को मिलता है, एंड इस तरह से आप जो फ्लूइड यूआई को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। फ्लूइड यूआई को एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर जो सिस्टम यूआई को रिबूट करना होगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो यहाँ पर डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है देने को मिलेगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर गेस्टर्स के ऊपर जो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, डबल टैप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली डबल टैप करके जो है नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है गेस्टर्स नेविगेशन, टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर 100 मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। सिंपली पर जो है नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके जो 100 मोड को एनेबल कर पाओगे, पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, 100 मोड का जो शॉर्टकट है ऐड किया गया है। यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो गानों को स्किप कर सकते हो, इसे ऐड किया गया है। एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ, जो है पर एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, आप सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। बट टच स्क्रीन गेस्चर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर डिस्प्ले के साथ जो है ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर लोकेशन के ऊपर जो अलाउ फेस अनलॉक का ऑप्शन, स्किप लोकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, कुछ इस तरह से रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन काम करता है। ऑलवेज ऑन वेन चार्जिंग का ऑप्शन है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर वेकअप गेस्चर्स का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डार्क मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, इसे ऐड किया गया है। फुल स्क्रीन ऐप्स का ऑप्शन, नाइट लाइट का ऑप्शन है, स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करें, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट अपने डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा। अगर बात करें पर जो फेस अनलॉक के बारे में, पर जो फेस अनलॉक को भी ऐड किया गया है, यानी पर जो फेस अनलॉक है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट अपने डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा। तो पर जो फेस अनलॉक प्लस फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, प्लस जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो नोटिफिकेशन फिल्म का ऑप्शन है, प्लस एडेप्टिव साउंड को ऐड किया गया है, लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर
चार्जिंग साउंड को डिसेबल कर सकते हो, पार्ट आप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, एमआई का जो साउंड एनहांसर ऐड किया गया है, हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। ये बार लोकेशन प्राइवेसी का ऑप्शन है, प्लस ऊपर जो सिस्टम के ऊपर जो ओटी अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए ये जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, थानोवाल मोबाइल का ऑप्शन है, गेशेस के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब जरूर से प्रोजेक्ट एक्सिलर कस्टमर हम इसे ट्राई करके देखो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।